कहता हूं हक मां का ज्यादा है लेकिन शान बाप की ज्यादा है। पूरे कुरान में भी कहीं भी रब ने मां की कसम याद नहीं फरमाई, लेकिन कुरान में बाप की कसम याद फरमाई और फरमाया वालिदी वमा वलद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये बाप की शान है। खुदा रा मेहरबानी करो, कोई भी चीज अल्लाह तुम्हें दे तो मां ने तुम्हें पाला, बड़ी कुर्बानियां उसकी हमारे साथ है। मैं ये नहीं कहता कि मां का हक नहीं है, हक मां का ज्यादा है, शान बाप की बड़ी है। ये याद रखना मेरी बात, मां बाप को नजरअंदाज मत कर देना। जो भी आता मौलाना जरा अम्मा की शान बयान कर दियो, क्यों अब्बा सौतेला था क्या है? ओ यार जरा सोचो तो सही, मां तो गर्मी में अंदर लेटी रही और वो ईंट जो बोझ अपने कमर पे उठा के ढोता रहा वो कौन था जी? जिसने ओवर टाइम ड्यूटियां की तेरे लिए वो कौन था? बेशक जो कई कई दिन तेरे कर्जे उतारने के लिए घर न लौटा वो कौन था? जिसने बारिश के मौसम को बारिश न जाना और मौसम कोई भी हो तेरे लिए कमाने निकला, बता वो कौन था? खुदा की कसम जवाब यही आएगा, जो बारिश में भी जाता रहा वो बाप था, जो बोझ उठाता रहा वो बाप था, जो कई कई दिन घर से बाहर रहा वो बाप था, जो लोगों की गालियां खाता रहा वो बाप था, जो चलते सूरज को सहता रहा वो बाप था, जो गर्म धूप के गर्म लथेड़ों को सहता रहा वो बाप था, हर ताने को सहा जिसने वो बाप था, हर रुसवाई को सहा जिसने वो बाप था, हर दर्द को सहा जिसने वो बाप था, खून पसीना एक करके तेरे हलक से लुकमे बना के उतारा जिसने वो बाप था, और जिसने अपनी जवानी गुट्टी में मिला के तुझे पिलाई है वो बाप था। अगर इतनी मेहनत से बाप ने पाला है तो मकान पे सिर्फ माँ की दुआ ना लिख, गाड़ी पे सिर्फ माँ की दुआ ना लिख, दरवाजे पे अगर लिखे तो मुस्कुरा के लिख दिया कर, ये सिर्फ माँ की दुआ नहीं है बल्कि ये मेरी माँ की भी दुआ है, मेरे बाप की भी दुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभानी करो, अल्लाह सलामत रखे। माँ बाप की इज्जत कर लो, हाँ माँ बाप की कदर कर लो। ये चले गए तो फिर तड़पते रह जाओगे।